हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर की, यानी आर पावर की। दोस्तों, आर पावर का शेयर बीते कुछ टाइम में बहुत अच्छी रैली दिखाई है, जो आपको यहां पे एक तरह से कहें तो इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल के अंदर अंदर 107% का रैली देखने को मिला है आर पावर के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे आज कंपनी यहाँ पे Q4 क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करने वाली है, तो देखना होगा कि कंपनी यहाँ पे Q4 क्वार्टर के रिजल्ट्स में किस प्रकार से धमाल मचाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं आर पावर के अंदर, यानी रिलायंस पावर के अंदर। दोस्तों, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का जो प्लान है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि FY24 के अंत तक यहाँ पे कंपनी है जो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल डेब्ट फ्री करने का पूरा प्लान बना रखे हैं, और यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे अपने डेब्ट को कम करते हुए भी नजर आते हैं। 1000 करोड़ का आपने सुना होगा कि आर पावर ने यहाँ पे पिछले टाइम पे अपना कर्ज देती हुई नजर आई थी, और यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से हाई पे ही है, लेकिन एक तरह से जो ऑल टाइम यहाँ पे हाई, जो एक तरह से मतलब ऑल टाइम नहीं, 5 ईयर्स की जो हाई था उससे अभी नीचे देखने को मिल रहा है। करीब करीब 33 रुपया तक स्टॉक ऑलरेडी गया था रिलायंस पावर लिमिटेड का शेयर, लेकिन अभी के टाइम पे 26 रुपया 65 पैसा पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे रिलायंस पावर की, तो यहाँ पे रिलायंस पावर के अंदर जो अभी के टाइम पे जो डेप्ट है, कह सकते हैं 20,605 करोड़ का है, तो 1.60 डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से अभी भी 1 से ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के ऊपर, लेकिन इस डेप्ट को कम करती हुई नजर आ सकती है आने वाले क्वार्टर के अंदर अंदर। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी यहाँ पे लॉसेस पोस्ट करती हुई नजर आई थी। जो लॉसेस था वो कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया था। अगर आप देखें तो दिसंबर 2022 में 1886 करोड़ से यहाँ पे सेल्स बढ़ के 1947 करोड़ हो गया था। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 35% से पॉजिटिव से यहाँ पे निगेटिव में -19% हो गया था। तो यहाँ पे मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिला था दिसंबर क्वार्टर के अंदर, और -245 करोड़ से इनका लॉसेस बढ़ के 1137 करोड़ का हो गया था। तो कंपनी का लॉसेस यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, लेकिन देखना होगा कि पिछले साल यहाँ पे मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 257 करोड़ का प्रॉफिट की थी, -9% का मार्जिन देखने को मिला था, 1730 करोड़ का यहाँ पे सेल्स करती हुई नजर आई थी। तो क्या यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है ये वापस फिर से इंक्रीज होने वाला है? यहाँ पे अदर इनकम 1170 करोड़ देखने को मिला था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट है जो 257 करोड़ यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। होपफुली अगर इतना तो यहाँ पे अदर इनकम नहीं आता हुआ नजर आएगा अभी के टाइम पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की जो मार्च क्वार्टर की रिजल्ट्स है, वो यहाँ पे आज ही के डेट में यहाँ पे आने वाला है। जो अपकमिंग रिजल्ट्स डेट आप देख सकते हैं आज का है, और आज ही यहाँ पे कंपनी Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश करती हुई नजर आएगी। अगर आगे हम बात करें इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं, तो FIIs की बड़ी खरीदारी देखने को मिल रहा है, खास करके आर पावर के अंदर आप देख सकते हैं कि 8.37% से होल्डिंग इन्होंने बढ़ाकर 13.01% कर चुके हैं। तो यहाँ पे बड़ी होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है FIIs का, और DIIs की जो होल्डिंग है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले जो 9% की होल्डिंग था वो यहाँ पे बढ़ के 24% हुआ, लेकिन फिलहाल फिर से इन्होंने अपनी होल्डिंग में थोड़ी थोड़ी कमी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें आर पावर की, तो आर पावर में के अंदर जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी अब यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है और डेब्ट को कंटिन्यू कम करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है वो अब यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर दी है, अब 9000 के यहाँ पे एक तरह से रिजर्व कर रखी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो डेब्ट यहाँ पे 32-33 हज़ार करोड़ का था, वो यहाँ पे अब 20 हज़ार करोड़ का बचा है, यानी मतलब डेब्ट को कंटिन्यू कम कर रही है। इसके साथ साथ इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 3811 करोड़ का इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ CWIP में वर्क यहाँ पे आप देखें तो कंटिन्यू देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें
तो इन्वेस्टमेंट है जो कंटिन्यू कंपनी करती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ कंपनी के टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे हम बात करें तो अभी भी फिलहाल यहाँ पे एसेट्स टोटल लाइबिलिटीज और एसेट्स कम होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे आर पावर का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में तो बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिला है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FY 24 के अंदर 1414 करोड़ का लॉस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन होपफुली यहाँ पे अगर कंपनी जो डेप्ट है वो यहाँ पे मैनेज कर पाती है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ की पॉइंट्स की भी चर्चा कर लेते हैं आर पावर की। तो आर पावर जो बेसिकली पावर सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे डिमांड तो इनका रहेगा रहेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे कंपनी अगर आगे सही से मैनेज कर पाती है तो जो अभी 10,685 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। अभी भी EPS है जो निगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे ROC या ROE अभी भी उतना अच्छा नहीं, 34.30 रुपया का बुक वैल्यू है, तो ये बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस पे अभी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है आर पावर का शेयर। फेस वैल्यू 10 रुपया का देखने को मिलता है फिलहाल, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पेग रेशियो की, खास करके इस कंपनी की, तो पेग रेशियो में जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जीरो कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर है वो 4 का है, और यहाँ पे RSI है जो 51 पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है स्टॉक के अभी के टाइम पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इनकी कैपेसिटी अभी के टाइम पे पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है 5,945 मेगावाट, इंक्लूडिंग अगर हम देखें तो 5,760 मेगावाट ऑफ थर्मल कैपेसिटी आपको देखने को मिल रहा है, 185 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड कैपेसिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से टोटल जो इनकी पास कैपेसिटी है वो 5,945 मेगावाट का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली इनका जो पावर प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनली और नेशनली ये दोनों जगह इनका प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। और खास करके अगर हम देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की प्रोजेक्ट की बात करें तो इस पे भी काम करते हुए नजर आती है कंपनी। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक तरह से इशू और कन्वर्जन ऑफ वारंट से रिलेटेड है, जो यहाँ पे अलॉटेड बाय द प्रेफरेंशियल इशू जो होते हैं 21 करोड़ वारंट यहाँ पे जनरेट करती हुई नजर आई है, जिसका यहाँ पे इक्विटी पर शेयर इक्विटी शेयर प्राइस जो रखा गया था 15.55 रुपया का रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगा हमारी तरफ से। तो थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, और Q4 को क्वार्टर के जैसे रिजल्ट आएगा मैं अपडेट करूँगा अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।